फोटोशॉप में किसी भी सरफेस के ऊपर लोगो कैसे प्लेस करते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तलहा एंड वेलकम टू भाईलोग डिजिटल। तो मेरे पास यहाँ पर एक इमेज है जिसमें एक कपड़े के ऊपर बहुत ज़्यादा फोल्ड्स हैं और मेरे पास यहाँ पर एक लोगो है जिसको मैं इसके ऊपर प्लेस करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये लोगो इसके ऊपर ऐसे नज़र आए जैसे कि ये इस कपड़े के ऊपर पहले से प्रिंट हुआ हुआ था। फिलहाल हम इस लोगो को हाइड कर देंगे और हम इस इमेज को सेव कर लेंगे। सेव एज, इसका नाम रखेंगे डिसप्लेस और इसको हम सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप पे। सेव, ओके। ये हमने एज ए फोटोशॉप फाइल सेव किया है। फिर हम अपने लोगो को टॉगल ऑन करते हैं, इसको थोड़ा सेंटर कर लेते हैं। फिर हम जाएंगे फिल्टर पे, यहाँ पर डिस्टॉर्ट और डिस्प्लेस, इसको हम ओके करेंगे और यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे अपनी डिस्प्लेस वाली फाइल को। सेलेक्ट, ओपन। तो वो जो डिस्प्लेस है वो यहाँ पर एज ए स्मार्ट फिल्टर आ गया है। तो हमारा इमेज इस तरह डिस्टॉर्ट हो गया है जैसे कि ये इसके नीचे वाले इमेज के फोल्ड्स को रेप्लिकेट कर रहा हो। अब हम अपने लोगो के ऊपर राइट क्लिक करेंगे या हम यहाँ डबल क्लिक कर सकते हैं ब्लेंडिंग ऑप्शंस खोलने के लिए। अब यहाँ पर जो अंडरलाइन लेयर का जो स्लाइडर है हम उसको आगे करेंगे और हम इसको तब तक आगे करेंगे जब तक हमारा इमेज इनविजिबल नहीं होना शुरू हो जाता। अब यहाँ पर ये थोड़ा बहुत इनविजिबल हो रहा है तो हम इसको वापस ले आएंगे, यहाँ तक ठीक है। और इस पार्ट से आगे हम ऑल्ट दबाएंगे और इसको ब्रेक करेंगे और अब हम इसको आगे करते जाएंगे। हम इसको तब तक आगे करते रहेंगे जब तक हमें ये नहीं लगता कि हमारे लोगों के ऊपर भी फोल्ड्स आ गए हैं। इतना आगे भी नहीं करना कि लोगो गायब होना शुरू हो जाए। बस सिर्फ इतना रखना है कि लोगो नज़र आ रहा हो और उसके ऊपर फोल्ड्स भी नज़र आ रहे हों। हम इसको यहाँ पर रोक लेते हैं और इसको ओके कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पर कपड़े के पार्ट्स शाइन कर रहे थे लोगो भी वहाँ से शाइन कर रहा है। जहाँ पर डार्कनेस है वहाँ पर भी लोगों के ऊपर डार्कनेस आ गई है। तो अभी ऐसे लग रहा है जैसे कि लोगो पहले से इस कपड़े के ऊपर प्रिंटेड था। हम इसको मूव भी कर सकते हैं और हम इसको जहाँ भी लेके जाएंगे कपड़े के उस पार्ट के लिहाज से अडेप्ट करेगा। फिलहाल हम इसको सेंटर में रख लेते हैं। किसी के पास कोई क्वेश्चन हो या कोई ट्यूटोरियल रिक्वेस्ट करना हो तो कमेंट कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फोटोशॉप के बारे में और सीखना है तो सब्सक्राइब कर लेना और मेक श्योर करना कि बेल आइकन पर क्लिक कर दो ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियो पोस्ट करूँ वो आपको मिलती रहे।